सो गाइस, जो मैं बिग अनाउंसमेंट करने वाला था वो ये है कि अगर आप पेपर ट्रांजिशन का यूज करते हैं किसी भी म्यूजिकली वीडियो में, तो मैं उस वीडियो को अपनी जो नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो आएगी उसके अंदर करूंगा फीचर। सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राहुल एंड आज आपको मैं सिखाऊंगा म्यूजिकली की दो ट्रांजिशन जिन्हें यूज करके आप अपनी जो म्यूजिकली की वीडियोस है उन्हें और भी कूल बना सकते हैं। और ये ट्रांजिशन करना बहुत ही इजी है। चलिए गाइस, इन ट्रांजिशन को करते हैं शुरू। तो गाइस, जो हमारी पहली म्यूजिकली ट्रांजिशन है वो है जूम ट्रांजिशन, और ये करना बहुत ही इजी है, आप इसे सिंपल वे में कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ट्रांजिशन को शुरू करने से पहले आप ये देखिए कि जो इस ट्रांजिशन की वीडियो है वो दिखती कैसे है। So guys, आपने इस ट्रांजिशन की वीडियो तो देख ही ली होगी, तो चलिए जो इसकी प्रोसेस है इसे वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपको करना क्या होगा, इसमें जो ये आपके में जिससे आप वीडियो बनाते हैं इस बटन को लेना है, इसको प्रेस करना है और ऐसे सामने की साइड ऊपर जाना है, तो जो ये आपकी स्क्रीन है वो जाएगी जूम। तो ये होता है आपका जूम इन इफेक्ट। तो जब आप इस बटन को प्रेस करके ऐसे आगे जाएंगे तो आपका जो जूम इफेक्ट है वो हो जाएगा शुरू, और आप इस इफेक्ट को बार बार कर सकते हैं जब तक आप करना चाहें। आप यहाँ पे जूम करके छोड़ दीजिए, उसके बाद इसे वापस से जूम ऐसे कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे जाइए, उसके बाद आप कहीं और जाइए, इस साइड जाइए और यहाँ पे फिर वापस से जूम कर दीजिए, तो जो ये आपका ट्रांजिशन है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और अगर आप जूम आउट करना चाहते हैं तो आपको ऊपर ले जाना है पहले इसको इस तरह, उसके बाद वापस से स्क्रीन को आपको छोड़ना नहीं है, स्क्रीन के ऊपर आपको टैप करके रखना ही है, जब ही आपकी जो ट्रांजिशन है ये सही लगेगी। तो आपको बस ऊपर जाना है एंड देन वापस आना है, ऊपर जाना है वापस, मतलब कि जो ये ट्रांजिशन है ये ऐसे होगी। तो ये जूम इन और जूम आउट ट्रांजिशन होती है और ये देखने में बहुत ही अच्छी लगती है वैसे। और मान के चलिए अगर आपको सिंपल वे में जूम इन करना है और जूम आउट साथ के साथ करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइमर का बटन है, आप उसे प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे टाइमर ऑन हो जाएगा। आपको अपने यहाँ पे उंगली रखनी है और यहाँ पे दोनों थंब से आपको जूम इन जूम आउट करना है, तो जो ये आपकी वीडियो हो जाएगी वो रेडी हो जाएगी। और यहाँ से इसको स्टॉप कर देंगे तो आपकी जो ट्रांजिशन है वो बिल्कुल अच्छी बनेगी और ये कुछ दिखने में ऐसी होगी, तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। जब भी आप अपनी कोई म्यूजिकली वीडियो बनाएं तो आप इस ट्रांजिशन का जरूर यूज करें, और हाँ आप इसे कम से कम मल्टीपल 2 या 3 टाइम्स जरूर करें, जिससे कि ये ट्रांजिशन अट्रैक्टिव लगेगी और देखने में बहुत ही ऑसम लगेगी। तो आप इस ट्रांजिशन का यूज करें। आज जो हमारी सेकंड ट्रांजिशन है वो है पेपर ट्रांजिशन, तो इसके अंदर आपको बस एक पेपर की जरूरत होगी जिसे आप फोल्ड करेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर सिंपली वे में आपको करना क्या है, आपको एक पेपर लेना और उसको फोल्ड करना। लेकिन जब आप इसे ट्रांजिशन के अंदर देखेंगे तो ये ट्रांजिशन बहुत ही एक डिफरेंट लेवल से दिखेगी। तो इस ट्रांजिशन को करने से पहले आप ये देखिए जो इस ट्रांजिशन की वीडियो है वो दिखती कैसे है। तो गाइस, आपने इस म्यूजिकली ट्रांजिशन की वीडियो तो देख ही ली होगी, तो अब हम इस ट्रांजिशन को करते हैं शुरू और आप इसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर आपको चाहिए क्या। तो बेसिकली हमें इस ट्रांजिशन को करने के लिए एक पेपर की जरूरत पड़ेगी। आप पेपर को कर लीजिए ऐसे फोल्ड। इसे फोल्ड करने का जो मेन रीजन है वो यही है कि जब आप इसे ऐसे पकड़ेंगे तो आपके हाथ में है जो इसकी ग्रिप बनी रहेगी और ये ऐसे अचानक नीचे नहीं गिरेगा। जब आप ट्रांजिशन के टाइम इसे यूज करेंगे तो इसे फोल्ड करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो सबसे पहला काम यही है कि अगर आपके पास कोई पेपर है तो आप उसे ऐसे फोल्ड कर लीजिए। सिंपल वे में कोई किसी भी तरह आप फोल्ड कर सकते हैं। जब हम इस ट्रांजिशन को यूज करेंगे तो हमें क्या करना है, तो हमें उस टाइम अपने जो हैंड है हमें किसी भी तरह करके ऐसे यहां पे स्टॉप करना है लाइक दिस। तो हमें ऐसे अपने हैंड को स्टॉप करना है, तो आपका हैंड यहां पे स्टॉप हो जाएगा और थोड़ा सा ऐसे यहां पे जाएंगे हम पीछे की साइड तो आपका जो हैंड है वो एक सिंपल वे में अलग दिखेगा। तो आपको करना क्या होगा, यहां पे जाके आप अपनी म्यूजिकली है उसे स्टॉप कर देंगे। उसे स्टॉप करने के बाद ही हम जो अपना पेपर है उसे होल्ड करेंगे। सबसे पहले आप इसे फास्ट मोड में यूज करेंगे। फास्ट मोड में आप इसे स्टार्ट करेंगे और मैं कर दिया। तो चलिए आप म्यूजिकली वीडियो बनाते हैं। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे इसे सिंपली वे में रोक दिया है म्यूजिकली वीडियो को। तो अब यहाँ पे रोकने के बाद आपका जहां भी पेपर आप उसे उठा लीजिए और इसी पोजिशन पे आपको रखना है। तो जो मेरा हैंड था वो था इस साइड और इस पोजिशन में था, तो मैंने यहाँ पे
जो है इसे होल्ड कर लिया है। अब जब हमने इसे फोल्ड किया था तो इससे हमारे देखो हाथों में ग्रिप बन चुकी है। अब हमको क्या करना है, अब हम जब अपनी म्यूजिकली को करेंगे ऑन तो हम यहाँ से जूम आउट करते हो जाएंगे और यहाँ पे वापस जाके इसे फोल्ड करना शुरू कर देंगे लाइक दिस। आप यहाँ से ऐसे जूम करेंगे, बटन ऑन करेंगे और यहाँ पे से ऐसे फोल्ड कर देंगे लाइक दिस। अगर आप इस पोजिशन पे इसको रोकते हैं तो आपको इसी पोजिशन से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। और गाइस ट्रांजिशन की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे दो तरह से यूज कर सकते हैं। लाइक अगर आप पेपर को फोल्ड करना चाहे तो आप इसके अंदर वो कर सकते हैं, अगर आप अपना बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप मल्टी करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा इसके अंदर, आपको सिंपल अपनी जो म्यूजिकल है उसे बनाना है और यहाँ पे जाके स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद आपको अपना पेपर लेना है हाथ में, पेपर लेने के बाद आप अपना बैकग्राउंड कर लीजिए और जो आपका बैकग्राउंड है वो हो चुका है चेंज। और चेंज होने के बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपल वे में अपने जो पेपर है उसको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आप यहाँ से जूम आउट करेंगे, यानी कि आप ऐसे मोबाइल को ऐसे दूसरी साइड लेके जाएंगे बिना किसी बटन को या आप बिना किसी जूम ट्रांजिशन के। अगर आप जूम ट्रांजिशन कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसे वैसे भी करेंगे तो ये भी वैसे भी सही होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ से ऐसे जूम, तो हम यहाँ से ऐसे बटन प्रेस करेंगे और हमारा जो बैकग्राउंड है वो हो जाएगा चेंज। तो गाइस जो इन दोनों ट्रांजिशन के अंदर मेन बात नोटिस करने वाली है वो ये है कि जब भी आप इस ट्रांजिशन को करेंगे तो जो आपका फोन है वो मोशन में होना चाहिए। अगर आप ऐसे स्टॉप करके करेंगे तो एक देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि वो एक रुक के चल रहा है, मतलब स्टॉप पोजिशन में था। तो आप इसे ऐसे फ्लो में करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि ट्रांजिशन है एक मोशन में या एक फ्लो में चल रही है। सो गाइस जो मैं बिग अनाउंसमेंट करने वाला था वो ये है कि अगर आप पेपर ट्रांजिशन का यूज करते हैं किसी भी म्यूजिकली वीडियो में तो मैं उस वीडियो को अपनी जो नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो आएगी उसके अंदर करूंगा फीचर। तो आपको इसके अंदर सिंपल एक रूल फॉलो करना है, आपको एक म्यूजिकली वीडियो बनानी है उसके अंदर पेपर ट्रांजिशन का यूज करना है और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और वहां पे मुझे ये वीडियो जो आपने अभी बनाई थी म्यूजिकली पे वो मुझे कर दीजिए सेंड। उन सब वीडियो में से मैं एक वीडियो को चूज करूंगा और जो मेरी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो होगी उसके अंदर करूंगा फीचर। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो लगी अच्छी तो आप कर सकते हैं लाइक। अगर आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वहां पे एक बेल का आइकन आ रहा होगा तो आप उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि क्या होगा अगर मेरी कोई भी वीडियो यूट्यूब पे आएगी तो उसके बारे में आपको सबसे पहले पता चलेगा। तो चलिए गाइस अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।